हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं संगीता, आज मेरी किचन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको रमास बनाना बताऊंगी कैसे बनाए जाते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आज मेरे बच्चों ने डिमांड करी थी, मम्मी हमारे लिए रमास बनाना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए हम आपको बताते हैं। हेलो गाइस, हमने ये भिगो दिए थे 10-15 मिनट के लिए। अब हम इन्हें उबालेंगे। अब इनको हम कुकर में डाल देंगे। हेलो गाइस, देखो हमने ये सारे रमास कुकर में डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1 स्पून नमक डालेंगे। अब हमने ये कुकर में डाल दिए हैं। अब इनको हम गैस पर रखेंगे। अब इसमें हम 1 सीटी लगाएंगे। हेलो गाइस, देखो हमारे रमास बन गए हैं। अब हम इन्हें देख लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे रमास गल गए हैं। अब इनको हम छन्नी में पसा लेते हैं। हेलो गाइस, हमने ये छन्नी में पसा लिए थे और हमारे रमास बिल्कुल एकदम तैयार हैं। अब चलिए, हमने ये चाट मसाला लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, उनको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और प्याज बारीक काटी है। हमने ये काली मिर्च ली है, तो हमने हरी मिर्च ली है, ये भी हमने बारीक काट ली है। 1 नींबू का रस लिया है, काला नमक लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 आलू लिया है और थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। अब हम रमास को इसमें डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, आलू डालेंगे। आलू को हमने उबाल लिया था पहले, और अब हरी मिर्च डालेंगे। इसमें नींबू का रस डालेंगे, काला नमक डालेंगे और 1 स्पून हम चाट मसाला डालेंगे। आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे बच्चे लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी, आप डाल सकते हो। मैं इसमें काली मिर्च डालूँ। हमारे रमास तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।